बहन प्यारे साथियों, तो बीएसएफ ट्रेंचमेंट एंड कांस्टेबल न्यू वैकेंसी जारी होगी। मैं क्या कहा था पिछले वीडियो में था कि बीएसएफ ट्रेंचमेंट का न्यू वैकेंसी 1400 टोटल वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल ये आने वाला है, ठीक है। तो अभी एक नोटिस नया आ गया सरकार की तरफ से, बीएसएफ ट्रेंचमेंट के साथ कांस्टेबल का पद भी है। कितना वैकेंसी था? 1400 वैकेंसी, तो अभी है 2198 पोस्ट, ठीक है टोटल। इसके साथ बीएसएफ ट्रेंचमेंट के साथ और भी ज्यादा 700 पोस्ट कांस्टेबल के लिए आ गई, तो ये बहुत ही गुड न्यूज, बधाई हो। आप अपना वीडियो का पूरा देखे और सारा डिटेल्स आपको क्लियर कर दूं, सैलरी कितना है, एज लिमिट कितना चाहिए, सिलेबस, क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो बीएसएफ ट्रेंचमेंट एंड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 टोटल वैकेंसी है 2158 पोस्ट है। तो डिफेंस जॉब से ये कैटेगरी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होगी जनवरी के लास्ट वीक में, ठीक है। जनवरी के 25 तारीख से हमारा फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगी एसएससी जीडी के साथ, नहीं तो अगर देरी हो भी जाए तो फरवरी के फर्स्ट वीक में जरूर फॉर्म फिलअप होगी। तो इसका बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए, तो इसका एक बात आपको कहना चाहिए कि बीएसएफ ट्रेंचमेंट का जो न्यू वैकेंसी है, तो ये न्यू वैकेंसी जो आने वाला है 1400 वैकेंसी, उसके साथ कांस्टेबल जोड़ कर दिया गया, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फरवरी के फर्स्ट वीक में जरूर फॉर्म आने वाला है। तो इसमें टोटल वैकेंसी भी है, एज लिमिट है आपको 18 से 23 साल तक, ठीक है। ट्रेंचमैन के लिए चाहिए 18 से 23 साल तक, कांस्टेबल के लिए भी चाहिए 18 से 23 साल तक। अगर एससी एसटी हो, ओबीसी हो, तो आपके लिए रिलेक्शन मिलेंगे, तो अभी कुछ नोटिस नहीं दिया, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 10th पास, ठीक है, कांस्टेबल पद के लिए और ट्रेंचमैन के लिए भी, तो 10th पास। तो आपका इसके साथ अगर आईटीआई है तो बहुत बढ़िया, आपके ऊंची पोस्ट आपको मिल सकता है। तो इसमें हाइट चाहिए, मेल के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 162 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, और बीएसएफ का जो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए ये भी बहुत ही अच्छा है। तो एससी एसटी के लिए हाइट के लिए छूट जरूर मिलेंगे, तो एससी एसटी के लिए है मेल कैंडिडेट 162 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए आपको 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एससी एसटी के लिए बिल्कुल छूट है, तो फीमेल कैंडिडेट भी है। तो इसमें बीएसएफ ट्रेंचमैन और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 में फीस लगेगा, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया फीस लगेगा, और एससी एसटी एक सर्विस मैन और फीमेल के लिए बिल्कुल पैसा नहीं लगेगा। ये आप ऑनलाइन मोड से अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिस जब भी आएंगे आपको फॉर्म फिलअप के जरूर हम वीडियो पोस्ट करेंगे। और इसमें पहले सिलेक्शन प्रोसेस, पहले रिटर्न एग्जाम हुआ, तो 2023 से वो चेंज कर दिए गए, रिटर्न एग्जाम नहीं, पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में मेल के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होगा 24 मिनट टाइम के अंदर, और फीमेल के लिए 1600 मीटर रनिंग होगा 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगी, रिटर्न एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। सैलरी भी एक बार सुन ले, 21,700 से लेकर पर मंथ आपको 69,100 रुपये तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें।